सो हाय गाइस, और एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुदीप, वेलकम टू माय चैनल बेस नो क्लास। आज हम लोग जानने वाले बेस्ट एप्स के बारे में जो आपके हेल्प होगा, और इसमें से शायद आप लोग बहुत सारे एप्स यूज भी करते हो। इसमें से जो लिस्ट है मेरे पास, इसमें से कौन सा ऐप यूज करते हो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो। मुझे भी जानना है और मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग बताते हो मुझे, और प्लीज कमेंट किया करो गाइस, कमेंट किया करो, अच्छा लगता है। आज हम लोग बात कर लेते हैं फटाफट बेस्ट एप्स के बारे में। कमिंग अप नेक्स्ट, हम लोग फटाफट बढ़ लेते हैं आगे, बढ़ेंगे पहले ऐप की ओर। आप में से बहुत लोग फोटोग्राफी का शौक रखते होंगे, मैं भी रखता हूँ, मैं भी हमेशा यूज करता हूँ Adobe Photoshop कैमरा। Adobe Photoshop कैमरा बहुत ही दमदार कैमरा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे दूंगा मैं सबका, और उसमें से आप डायरेक्टली फोटो ले सकते हो और डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, जो हम लोगों के पास फटाक से नहीं होता है। एंड खास करके आप HDR लुक भी दे सकते हो, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको करने के लिए, वो एक बार आप लोग ट्राई करके देखना। अगर आप लोग यूज करते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते हो तो प्लीज ट्राई करके देखना। दूसरे ऐप की ओर बढ़ेंगे, आप लोग बहुत जन यूज करते होंगे कैम स्कैनर। कैम स्कैनर क्या करता था, कोई भी अगर कार्ड होता था या कोई भी डॉक्यूमेंट होता था तो उसको हम लोग सेव कर पाते थे फटाक से। हमने उसका स्नैप ले लिया और फटाक से वो बन जाता था एक डॉक्यूमेंट में, PDF में। तो अगेन घुमा फिरा के वो चाइनीज ऐप था। हम लोग के पास ऑप्शन है कागज, जैसा कि आप देख पा रहे हो, वो भी सेम काम करता है एंड अच्छा काम करता है। वो आप यूज कर सकते हो। और कागज सुनकर तो आपको पता ही चल गया रहेगा कि US का ऐप नहीं है, ना है चाइना का ऐप, मेड इन इंडिया ऐप है, तो उसको आप इजीली यूज कर सकते हो। कागज ये जरूर डाउनलोड करें, अगर आप लोग ने पहले से कर लिया होगा तो वेल एंड गुड, नहीं किया होगा तो जरूर डाउनलोड करें और मुझे कमेंट करके बताएं हमेशा। तो तीसरे ऐप की तरफ बढ़ जाते हैं, और एक हम लोग के पास ऐप है, वो ऐप है Adobe स्कैनर। वो भी थोड़ा बहुत ऐसे ही काम करता है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपको स्कैन करना है फटाक से, आप लोग फोटो ले लो, वो भी वो स्कैन करके आपको प्रॉपर लुक दे देगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पर मैं सबका स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ताकि आप लोगों को इजी पड़े। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों का हेल्प होगा साथ में। अगर आप लोग बेल आइकन दबा दोगे तो आपके घर तक पहुंच जाएगा वीडियो, टिंग टिंग करेगा कि मुझे देख लो फटाफट। तो फोर्थ ऐप की तरफ बढ़ेंगे। फोर्थ ऐप तो हम लोगों का बोलते ना बहुत जरूरी ऐप है, जो सब लोग यूज करते थे पहले, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज शेयरइट। राइट, शेयरइट सब लोग यूज करते थे, लेकिन अभी शेयरइट तो बंद हो चुका है। तो हम लोगों के पास क्या ऑप्शन आ जाता है, जी शेयर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जी शेयर, जैसे हम लोग शेयरइट में करते थे वैसे ही आप लोग कर सकते हो। APK भी शेयर कर सकते हो उससे, गूगल का फाइल्स को भी है, लेकिन उससे आप लोग APK एंड बाकी चीजें नहीं कर पाओगे, लेकिन इससे आप कर सकते हो। पांचवे ऐप की तरफ बढ़ जाएंगे, और ये सब जितने भी ऐप्स है सबके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, आप लोग वहां से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों का ग्रामर पहले से कमजोर है जैसे मेरा, इसके लिए और एक ऐप है, दैट इज कॉल्ड ग्रामरली कीबोर्ड। ग्रामरली कीबोर्ड आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए। वैसे भी ग्रामरली कीबोर्ड आप लोगों के एक्सटेंशन जो भी लग जाएगा, जैसे अगर आप लोग डेस्कटॉप पे यूज कर रहे हो, क्रोम ब्राउजर पे आप लोग ऐड कर सकते हो एक्सटेंशन, या तो फिर आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाता है अगर आप लोग कोई दूसरा ब्राउजर यूज करते हो जैसे मोजिला, उस पे भी आप लोग एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो। तो ये भी काफी बहुत जरूरी ऐप है, इसका ऐप भी आता है ग्रामरली कीबोर्ड, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ये कोई भी ग्रामर आपका रॉन्ग होगा तो वो आपको करेक्ट करेगा, वो बहुत जरूरी है। हम लोग कभी कभी इंग्लिश में कुछ भी लिख देते हैं, तो ये करेक्ट करने के लिए ग्रामरली बहुत जरूरी है गाइस। ग्रामरली अभी डाउनलोड करो, अगर पहले से यूज करते हो तो प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो लिस्ट में छठवें नंबर पे है। अब आ जाता है हम लोगों के पास म्यूजिक लिसनर्स का। म्यूजिक हमेशा सुनता रहता हूँ, तो हम लोग पास बहुत सारे ऑप्शंस है, गाना, सावन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, दैट इज यूट्यूब म्यूजिक। नाम काफी है, सबके सब सॉन्ग्स उस पे मिल जाएंगे। जैसे हम लोग यूट्यूब पे सुनते हैं, फटाक से नाम डाल देते हैं और गाना हाजिर, वैसे ही सेम आप लोग उसमें कर सकते हो यूट्यूब म्यूजिक। वो आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। और वैसे स्पॉटिफाई भी एक है ऐप, स्पॉटिफाई भी आप लोग यूज कर सकते हो। अगर पहले से यूज करते रहोगे तो हमेशा, जैसे आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर हम लोग कनेक्टेड हो सकते हैं हमेशा। तो ये रहा सातवां नंबर। अब आ जाता है हम लोग के पास जो आपका फोन का लाइफ खराब करता है एंड बैटरी लाइफ भी खराब करती है, वो है फेसबुक। फेसबुक ऐप को आज की आज डिलीट कर दीजिए गाइस, देन फेसबुक लाइट यूज कीजिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, फेसबुक लाइट इज द बेस्ट। आपका बैटरी बचाएगा, आपका फोन का परफॉर्मेंस बढ़ाएगा, बहुत जरूरी ऐप है फेसबुक लाइट। फेसबुक ऐप को आज के आज अनइंस्टॉल कर दीजिए एंड फेसबुक लाइट इंस्टॉल कीजिए। और ये है आठवां नंबर। मैंने बहुत देखा है, जैसे मेरे पास अभी फिलहाल तो MI का फोन है, तो उसमें भी अच्छा लॉन्चर है जो एकदम मिनिमलिस्टिक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत सारे लॉन्चर्स होते हैं, जैसे सैमसंग का लॉन्चर, वो बहुत ज्यादा आपका रैम खाता है, तो उसके लिए एक लॉन्चर है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल लॉन्चर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मटेरियल लॉन्चर आज की आज डाउनलोड करेगा इस, अगर आप लोग पहले से इस्तेमाल करते हो तो
हमेशा जैसा, लेकिन ये बेस्ट ऐप होगा, आप लोगों का परफॉर्मेंस भी अच्छा हो जाएगा और इसमें अच्छे खासे लुक्स भी है, तो आप लोग थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हो एंड अच्छा भी आएगा, दिखने में अच्छा लगेगा। ये है नौवा नंबर। अब लास्ट ऐप की तरफ बढ़ेंगे। लास्ट ऐप तो बहुत जरूरी है, जैसे ऑल टूल्स। ऑल टूल्स करके एक ऐप है जो सब कुछ टूल्स उसके अंदर है। कंपास हो गया, आपका टॉर्च हो गया जो फ्लैश रहता है, ऐसे बहुत सारी चीजें है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सब कुछ है उसमें, कंपास ये वो, फिर कैलकुलेटर अगर आप लोग यूज करना चाहो तो उसके अंदर सब कुछ है। आप लोगों को बार बार आपके फोन में जाके हाँ ये चेक करो वो चेक करो ऐसा करो, कंपास ढूंढो, कैलकुलेटर ढूंढो, उसके बाद ढूंढो फ्लैश, ये सब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप वो ऐप में चले जाओ, आपका सब कुछ उसमें हाजिर है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। आप लोग बताइए ये ऐप्स में से आप लोग कौन सा यूज करते हो, कमेंट करके बताएं मुझे, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यही सब था बेस्ट ऐप फॉर यू सितंबर के लिए इन 2020। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, वही ड्रिल एज ऑलवेज। थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ योर डे गाइस, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।